हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहन सुथार, स्मार्ट कंप्यूटर्स रायसनगर से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली की बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एक्चुअल एंड बिल्स। तो फ्रेंड्स, इस फंक्शन का यूज़ बड़ी बड़ी कंपनियाँ यूज़ करती है अपने टेली सॉफ्टवेयर में। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं ये प्रैक्टिकल रूप से बताऊंगा कि इस फंक्शन को हम टेली में किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं और इस फंक्शन का यूज़ करने में बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या बेनिफिट होता है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर भी जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, टेली में एक्चुअल एंड बिल्स का जो फंक्शन का जो यूज होता है वो ज़्यादातर किसी स्टोर पर या किसी मेडिकल एजेंसी में ज़्यादातर यूज होता है। यानी कि इस फंक्शन का यूज प्रोडक्ट की स्कीम से रिलेटेड रहता है। जैसे कई कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए स्कीम लेकर आती है। जैसे गोल्ड एक्स पे कंपनी एक पेन बनाती है, उसने एक स्कीम लॉन्च करी है, 12 बॉल पेन के साथ दो पेन आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, या 5 लाख साबुन के साथ आपको एक साबुन बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है भी 5 लाख साबुन के साथ आपको एक टूथब्रश बिल्कुल फ्री मिलेगा। और मेडिकल एजेंसी में भी ज़्यादातर ये होता है भी मेडिकल एजेंसी अपने होलसेलर जो डीलर होते हैं वो अपने रिटेलर को एक स्कीम देते हैं। जैसे आप पैरास्टामोल टेबलेट के 5 बॉक्स आप परचेज किए, उसके साथ आपको 2 स्ट्रिप बिल्कुल फ्री दी जाएगी। यानी कि बहुत बार ऐसा स्कीम्स होता है भी आप 5 प्रोडक्ट खरीदोगे तो 1 फ्री मिलेगा, या 10 खरीदोगे तो उसके साथ आपको 2 फ्री मिलेंगे, 3 फ्री मिलेंगे। तो इस तरीके की जो स्कीम से रिलेटेड जो बिजनेस होता है, स्टोर होते हैं, उस कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा ये यूज़फुल फंक्शन होता है। तो आज हम इसे सीखेंगे टेली में प्रैक्टिकल रूप से कैसे इसे यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने एक ही विजय ट्रेडिंग कंपनी का इनवॉइस है और इस विजय ट्रेडिंग कंपनी से हमने कुछ प्रोडक्ट परचेज किए हैं। और इसमें निखार हेयर ऑयल सोमल और ये हमने 15 पीस परचेज किए हैं और इस 15 पीसेस का जो रेट है वो 78 रुपये पर पीस का रेट है। लेकिन इसी के साथ में एक निखार हेयर ऑयल सोमल का एक प्रोडक्ट और है जो हमने 3 पीस इसमें क्वांटिटी में आए हुए हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 0 है। यानी कि निखार हेयर सोमल 15 पीसेस के साथ निखार हेयर सोमल के 3 पीस बिल्कुल स्कीम के साथ हमें फ्री मिले हैं। और इसी तरीके से क्लिनिक प्लस शैम्पू 700 ग्राम के हमने 2 कार्टून यानी कि 50 पीस परचेज किए हैं और 750 रुपये पर कार्टून का इसका रेट है। और इस प्रोडक्ट के साथ हमें क्लिनिक प्लस शैम्पू 350 ग्राम के 2 पीस बिल्कुल फ्री हैं, हालांकि इसकी वैल्यू है जो बिल्कुल 0 है। तो फ्रेंड, दोनों प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पर तो क्या हुआ भी जो निखार हेयर ऑयल 100 ml है, इस 100 ml के साथ ही 100 ml का प्रोडक्ट हमें फ्री मिला है। और इस स्टॉक आइटम में यानी कि क्लिनिक प्लस शैम्पू 700 ग्राम के साथ हमें क्लिनिक प्लस 350 ग्राम का शैम्पू है जो 2 पीस हमें फ्री मिले हैं। यानी कि ये स्टॉक आइटम अलग है और ये जो स्टॉक आइटम है वो बिल्कुल इससे थोड़ा अलग है। हालांकि है तो क्लिनिक प्लस शैम्पू, लेकिन इसके अगर हम यूनिट्स की बात करें तो दोनों में डिफरेंस है, वो 700 ग्राम का प्रोडक्ट है और ये 350 ग्राम का प्रोडक्ट है। तो इसके हम टेली में कैसे यूज़ करेंगे इस फंक्शन को, इस इनवॉइस के हम टेली में एंट्री किस तरीके से करेंगे, यह इसको हम समझते हैं। तो चलते हैं हमारी टेली ERP9 की स्क्रीन पर। एक ऑलरेडी कंपनी क्रिएट करके रखी हुई है बालाजी ट्रेडर्स के नाम से और इसका GST भी हमने इनेबल करके रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले परचेज वाउचर्स की हम एंट्री करेंगे और परचेज वाउचर हमारे सामने ओपन है और सबसे पहले इसका इनवॉइस नंबर जो है VTC 298 वो हम यहाँ पर डालेंगे, VTC 298। और सप्लायर्स इनवॉइस नंबर में हम सेम वही हमें डालना पड़ेगा और सप्लायर्स जो कि जिससे हमने गुड्स परचेज किया उस पार्टी का नाम है विजय ट्रेडिंग कंपनी। और अब हम जो हमने परचेज किया था गुड्स वो निखार हेयर ऑयल 100 ml और इसकी जो क्वांटिटी थी वो है 15 पीस। तो हम इसे 15 पीसेस डालेंगे और यहाँ पर इसको पर पीस का जो रेट है वह है 78 रुपये यानी कि 78। और ये हमारी कॉस्मेटिक 18% की परचेज है लोकल की, तो हम इसे कॉस्मेटिक 18% में रखेंगे। तो उसके बाद निखार हेयर ऑयल 100 ml जो हमें 3 पीसेज जो बिल्कुल फ्री मिले थे स्कीम के साथ, उसकी एंट्री भी हम यहीं करेंगे, लेकिन उसकी जो रेट, उसकी जो वैल्यू है, अमाउंट है, उसकी वो हम बिल्कुल 0 ही रखेंगे।
और इसी तरीके से क्लिनिक प्लस शैम्पू 700 ग्राम जो हमारी क्वांटिटी थी 50 और एक का रेट है 30 रुपये, यानी कि पर पीस का टैक्सेबल जो रेट है वो हमें डालना होगा यहाँ पे, ये हमारी 28% के प्रति रेट है। और इसके साथ हमें क्लिनिक प्लस शैम्पू 350 ग्राम के दो पीस हमें फ्री मिले थे। और हमें इसे इंटरप्रेस करते हुए इनपुट CGST टैक्स और इनपुट SGST टैक्स, तो इस तरीके से ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इस वाउचर को जब हम सेव करेंगे और इंटरप्रेस करते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ, लेकिन अब इस इनवॉइस को जब हम दोबारा देखेंगे, यानी कि हम वापस गेटवे टेली पे आके हम डिस्प्ले पर आएंगे और डे बुक पर जब आके इसी वाउचर्स को जब हम दोबारा ओपन करेंगे, जो हमने यहाँ पे फ्री वाली जो स्कीम डाली थी, जो फ्री के प्रोडक्ट हमने यहाँ पे इनपुट किए थे, वो इसने यहाँ से हटा दिए। अब क्यों हटा दिए? क्योंकि एक फंक्शन होता है टेली के अंदर जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन की, वो हमने इनेबल यानी कि उसको यस नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें उसे फंक्शन को यस हमें करना होता है अगर इस टाइप की जब हम एंट्री करते हैं। तो ये आपको मैं पहला तरीका बता रहा हूँ, इसके बाद में आपको मैं सेकंड तरीका भी बताऊँगा। तो उस फंक्शन को यस करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11 और F11 प्रेस करने के बाद हम जाएंगे इन्वेंट्री फीचर्स पर, और इन्वेंट्री फीचर्स पर जाने के बाद एक ऑप्शन हमें जनरल में देखने को मिलेगा इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है जो नो है, तो इसे हमें यस करना पड़ेगा। तो मैं इसको यस करता हूँ और कंट्रोल ए के साथ इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो वापस मैं उसी वाउचर के द्वारा चलते हैं डे बुक पे और वही वाउचर हमें ओपन कर लेते हैं। तो इसी वाउचर पे जाने के बाद हम इसकी एंट्री दोबारा कर देंगे, निखार हेयर ऑयल 100 ml, और इसके जो फ्री के जो प्रोडक्ट थे वो 3 थे, और इसकी वैल्यू है जो हम रेट है जो बिल्कुल जीरो रखेंगे, क्योंकि हमने ये इसका पैसा हमने नहीं दिया, ये हमें स्कीम के साथ बिल्कुल फ्री मिला हुआ है। तो इसी तरीके से क्लिनिक प्लस शैम्पू और इसके जो दो पीसेस हमें बिल्कुल फ्री मिले हैं। हालांकि SGST और CGST पे इसका कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने इनपुट नहीं करी है, लेकिन इसका जो इफेक्ट आने वाला था वो क्लोजिंग स्टॉक पे आएगा, और इसमें इंटरप्रेस करते एक्सेप्ट करेंगे। अब जब इस प्रोडक्ट का हम क्लोजिंग स्टॉक अगर देखेंगे, स्टॉक समरी पे आके गेटवे टेली पे आके हम स्टॉक समरी पे इंटरप्रेस करेंगे और Alt+F1 के साथ इसकी मैं डिटेल ओपन करता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो भी निखार हेयर ऑयल के आपको यहाँ पे 18 पीसेस शो हो रहे हैं। अब 18 पीसेस कौन से रहेंगे? भी 15 पीसेस के तो हमने पैसे दिए थे यहाँ पर, और जो 3 पीसेस थे निखार हेयर ऑयल के, ये हमारे बिल्कुल फ्री हमारे पास आए हैं। तो इस तरीके से स्टॉक में ये बिल्कुल प्लस रहेगा, और इंटरप्रेस करेंगे तो सेम वही वाउचर हमारे सामने आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्लिनिक प्लस शैम्पू का भी आप स्टॉक देख सकते हो। अब यहाँ पर आप 50 पीसेस जिसके हमने पैसे दिए हैं, और ये क्लिनिक प्लस 350, क्योंकि ये दोनों की जो स्टॉक आइटम है वो थोड़ी डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे दोनों के स्टॉक आइटम हमें अलग अलग शो करेगा। हालांकि इसके जो दो पीसेस है इसकी वैल्यू अभी यहाँ पे जीरो इसने रखी हुई है, कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि ये स्कीम के साथ बिल्कुल फ्री आया हुआ है। तो पहला ऑप्शन था इसका, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और जो सेकंड फंक्शन होता है, जो एक्चुअल और बिल्ड का जो फंक्शन होता है, जैसा कि हमने थंबनेल पे देखा था, वो किस तरीके से आएगा, उसके लिए हमें F11 प्रेस करके सेम वही से इन्वेंट्री फीचर्स पर हम जाएंगे, और इन्वेंट्री फीचर्स पे जाने के बाद हमें स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वान्टिटी कॉलम। तो ये भी बाई डिफ़ॉल्ट नो रहता है, तो इस फंक्शन को भी हम यस करेंगे, और इंटरप्रेस करते हुए मैं सेव करूँगा। जब हम वाउचर इसी वाउचर्स की जब हम एंट्री करेंगे परचेज वाउचर में जाके, तो अब हमें एक अलग डिजाइन का ये फॉर्मेट देखने को मिलेगा। अब हमारे सामने ये ऑप्शन देखने को मिल गए एक्चुअल एंड बिल्ड के, और सेम वाउचर्स की एंट्री हम इसी फॉर्मेट में हम एंट्री करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस जो हमने ऑलरेडी वाउचर्स की जो एंट्री करी थी उसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। मैं डिस्प्ले पर जाऊँगा डे बुक पे, और यहाँ से Alt+D इसको मैं यस करके इसको डिलीट कर दूंगा, और वापस उसी परचेज वाउचर की एंट्री हम दोबारा प्रेस करते हैं। तो VTC 298 सेम ही रहेगा वाउचर नंबर, पार्टी का नाम विजय ट्रेडिंग कंपनी, और जो प्रोडक्ट था निखार हेयर ऑयल 100 ml। अब इस इनवॉइस में हम देखते हैं जो सेम प्रोडक्ट के साथ ही
सेम प्रोडक्ट हमारा फ्री आया हुआ है, यानी कि इस 15 पीसेस के साथ ये 3 पीसेस बिल्कुल फ्री है, यानी कि टोटल हमारे जो बिजनेस के अंदर है ये 18 पीसेस की इनपुट हुई है। तो हम टेली में यहाँ पे जो एक्चुअल का ऑप्शन जो आ रहा है इसमें हम डालेंगे 18 और बिल में जब हम डालेंगे 15, यानी कि इस फंक्शन का मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक्चुअल में आए तो हैं 18 पीसेस और हमने जो पैसे दिए हैं वो दिए 15 पीसेस के, और यहाँ पर जो रेट रहेगा वो 78 पर पीसेस का रहने वाला है। तो अब हमें यहाँ पे एक निखार हेयर ऑयल की अलग से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डालेंगे एंट्री क्लिनिक प्लस शैम्पू 700 ग्राम की, जिसका पीसेस 50 पीस हमने परचेज किए, 30 रुपये पर पीसेस का टैक्सेबल रेट है। और अब इसके साथ हमें क्लिनिक प्लस शैम्पू 350 ग्राम का जो फ्री आया हुआ था 2 पीसेस है, उसकी एंट्री हमें अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टॉक आइटम अलग है और ये स्टॉक आइटम अलग है। अगर सेम ही 700 ग्राम के साथ अगर 2 पीस फ्री अगर आया होता तो हम यहाँ पे 50 की जगह यहाँ पे 52 कर देते और यहाँ पर ये 50 ही रह जाता, लेकिन अब ये दोनों स्टॉक आइटम अलग अलग है इसलिए हमें इसकी एंट्री भी हमें अलग अलग करनी पड़ेगी। और इसी तरीके से हम इसका इनपुट CGST टैक्स और इनपुट SGST टैक्स हमें लगाना पड़ेगा और इस वाउचर्स को हम सेव कर देते हैं। अब हम क्लोजिंग स्टॉक एक बार वापस देख लेते हैं, स्टॉक समरी, और इसमें Alt+F1 के साथ इसकी डिटेल देखते हैं। तो सेम वही डिटेल हमें वापस देखने को मिलेगी, ये 18 पीसेस जो निखार 100 ml के थे, जिसमें 15 पीसेस के तो हमने पैसे दिए थे और 3 जो पीस थे वो हमारे स्कीम के साथ फ्री आए हुए थे, और ये जो 50 पीस है ये क्लिनिक प्लस शैम्पू 700 ग्राम जिसके हमने पैसे दिए थे और इसी स्कीम के साथ ये 350 ग्राम जो क्लिनिक प्लस शैम्पू है वो फ्री आए थे 2 पीसेस, जैसा कि हम ये इस इनवॉइस में हम देख रहे हैं। यानी कि इस 50 पीसेस के साथ में हमने, हालांकि परचेज हमारी कार्टून में थी, लेकिन हम इसकी क्वांटिटी को अगर हम सेल करते हैं पीसेस में तो हमारी जो सेल यूनिट है, हम जो यूनिट बनाएंगे हमारी बुक्स में वो पीसेस ही बनाएंगे। अगर हम भी कार्टून परचेज करके कार्टून ही अगर सेल करते हैं तो भी हम यूनिट इसकी कार्टून ही इसकी यूनिट है जो बनाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम हमारे कस्टमर को अगर सेम इसी तरीके का अगर कोई स्कीम अगर हम देते हैं तो इसकी एंट्री हम सेल वाउचर में करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और एफ एड प्रेस करेंगे, तो सेल वाउचर में भी ये ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा क्वांटिटी एक्चुअल और बिल्ड वाला। तो हम इसकी एंट्री करते हैं, वाउचर नंबर हमारा फर्स्ट रहने वाला है और कस्टमर का नेम हम श्री श्याम ट्रेडर्स को डाल देते हैं, और इसी तरीके से निखार हेयर ऑयल 100 ml। अब यहाँ पर भी देख रहे हो स्टॉक में भी आपको यहाँ पे 18 पीसेस ही दिखाएगा। अब मान लीजिए इस कस्टमर से हमने भी 2 की स्कीम दी है, 10+2 यानी कि 10 के साथ 2 फ्री है, तो हम एक्चुअल में तो डालेंगे हम 12 और बिल्ड में डालेंगे हम 2, क्योंकि हमारी जो स्टॉक जो निकलेगा, हमारी आउटपुट जो हमारी रहने वाली है जो टोटल स्टॉक की वो 12 की रहेगी और जो हमारे पास पैसे अब जो हमें मिलेंगे वो 10 पीसेस के मिलेंगे, और इसका जो रेट है 75 हम एक बार हम डाल देते हैं, सॉरी इसमें 98 हम कर देते हैं, और ये हमारी सेल्स है 18% की, तो हम इसे कॉस्मेटिक सेल्स GST 18% लोकल के रखेंगे। तो अगर इसी के साथ अगर हमारी अलग टाइप की स्कीम होती भी, निखार हेयर ऑयल के साथ हमने भी शैम्पू अगर फ्री दिए तो उसका जो नाम है उस क्वांटिटी का, उस स्टॉक आइटम का जो नाम है वो हम यहाँ पर डालते और इसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में कितनी उसके स्टॉक के साथ हमने फ्री दी है वो इसमें एक्चुअल और बिल्ड में डाल देते, और लेकिन उसका जो रेट है या इसकी जो अमाउंट है वो बिल्कुल 0 रखते, और हम इसे इंटरप्रेस करते हुए हम सेव करेंगे और आउटपुट हमारा CGST टैक्स और आउटपुट हमारा SGST टैक्स, और इस तरीके से इंटरप्रेस करते हुए इस वाउचर को भी हम सेव करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इसी इनवॉइस का अगर हम प्रिंटआउट अगर हम देखना चाहें भी इसका प्रिंटआउट हमें किस तरीके को देखने को मिलेगा, तो हम Alt+P प्रेस करेंगे और इसे इंटरप्रेस करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं भी हमारे पास जो ऑप्शन था एक्चुअल और बिल्ड वाला वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कोई फंक्शन हमारा नो रह हुआ है। तो इस फंक्शन को हम चालू करने के लिए क्या करेंगे, वापस Alt+P करेंगे और हम टेली की कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इसकी जो प्रिंटिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन हमें सेट करनी है, F12 से F12 प्रेस करेंगे, और F12 प्रेस करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा भी प्रिंट एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नो है तो इसे हम यस कर देंगे।
जैसे हम इसको यस करेंगे और कंट्रोल ए के साथ इसे एक्सेप्ट करेंगे, तो अब आप देख रहे हो अभी इसका जो शिफ्ट में जो क्वांटिटी, इसका जो प्रिंटआउट जो आने वाला है वो इस तरीके से आएगा। और इसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा होगा भी शिफ्ट यानी कि कितना हमने स्टॉक उसको दिया है, और बिल्ड का मतलब कितने के पैसे हमने उससे लिए, यानी कि 10 पीसेस के हमने पैसे लिए और जो दो स्कीम के थे जो हमने इसके साथ बिल्कुल फ्री दिए, यानी कि 12 के साथ 10 के पैसे हमने लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर भी जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर देना।